तो आज हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के टॉपिक को ही आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में पढ़ा कि जब एक पार्टनर को एडमिट किया जाता है एक फर्म में, तो कुछ पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं अपना शेयर। जो वो सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं अपना शेयर, वो नए पार्टनर के द्वारा गुडविल के रूप में लाया जाता है, और जो नया पार्टनर आता है वो उस गुडविल, फर्म की गुडविल का अपना शेयर देता है। जैसे कि उसका कुछ शेयर है, तो वो उस पूरी गुडविल में अपना शेयर सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स को शेयर करता है। ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कितने वेज में होती है, जिसमें हमने फर्स्ट वे पढ़ा था कि जब गुडविल ट्रीट नया पार्टनर आता है तो वो सेटलमेंट कर लेता है प्राइवेट पार्टनर से, प्राइवेटली बोलता है कि प्राइवेटली कुछ सेटलमेंट हो जाती है। अब प्राइवेटली हो गया, घर जाके दे दिया, तो वो जितनी भी एंट्री होगी, जो भी होना था, वो सब बुक फॉर्म में नहीं हुआ है, प्राइवेटली पेड कर दिया, यानी कि उसकी बुक्स में, अकाउंट्स में उसकी एंट्रीज नहीं होंगी। सेकेंड पार्ट हमने देखा जिसमें क्या होता है, पैसा गुडविल का लाया जाता है नए पार्टनर के द्वारा फर्म में, और उसको हमने देखा कि बिजनेस का जो पैसा आ रहा है, जो गुडविल का पैसा हिस्सा आ रहा है, वो सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स अपने कैपिटल में ही रख रहे हैं, उसको लेके नहीं जा रहे होते थे। तो उसकी एंट्री आप मेरे साथ रिवाइज करेंगे, अगर आपको पता होगी जनरल एंट्री जरूर याद रखना। फर्स्ट एंट्री क्या होती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फर्स्ट एंट्री होती थी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यही पैसा आ गया, अब इस पैसे को क्या करते थे, सेक्रीफाइजिंग पार्टनर सेक्रीफाइजिंग रेशियो में बांट लेते थे। सो सेकेंड एंट्री क्या होती थी, गुडविल क्रेडिट हुआ था, अब क्या हो जाता है, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर। एक हमने लास्ट वीडियो में एक लास्ट सिचुएशन पढ़ी थी, उसके बारे में भी रिकॉल करता हूं। जब किसी पार्टनर को गेन हो जाए, मतलब क्या हो रहा है, जब न्यू रेशो, जब रेशो डिसाइड करते हो, तो सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स में से दो पार्टनर थे जिनमें से किसी एक पार्टनर को गेन हो गया था, तो उस पार्टनर को गेन हुआ है वो पार्टनर भी नई रेशो में पैसा जो लाया है, जिसमें उसने गेन करा है, जिस रेशो में सेक्रीफाइजिंग रेशो निकाल रहे थे, गेनिंग रेशो निकल गई, फायदे वाली रेशो निकल गई थी एक सेक्रीफाइजिंग पार्टनर की। तो वो हमने पता लगाया कि जैसे जैसे नए पार्टनर के आने के साथ नया पार्टनर आता है तो अपना गुडविल का हिस्सा सेक्रीफाइजिंग पार्टनर को देता है, वैसे ही जो गेनिंग पार्टनर है वो भी नए पार्टनर को हिस्सा देगा। ये हमने पढ़ा था, ठीक है ना। उसके बाद आज हम थर्ड सिचुएशन पे बात करेंगे, और कुछ और सिचुएशंस भी होती है उन पे भी बात करेंगे। थर्ड सिचुएशन क्या थी, जिसमें पैसा रिटेन ना करके पार्टनर अपने पास ले जाते हो। तो दो एंट्री तो सेम ही होती थी, उसके बाद थर्ड एंट्री जो होनी थी वो अपनी तरफ से ही और बढ़ जाती है। उसमें उसमें क्या होता है कि पार्टनर जो कैपिटल क्रेडिट कर लेते हैं, क्रेडिट मतलब कैपिटल बढ़ा लेते हैं, वो पार्टनर जब कैपिटल होके, क्रेडिट होके बढ़ जाती है, उसको वो डेबिट करके वापस कैश अकाउंट कर लेते हैं, मतलब पैसा उठाते हैं और अपने घरों में ले जाते हैं। तो उस तरीके से उसकी एंट्री हमने सीखी थी, है ना। आज हम उसको भी कवर करेंगे, जितना टॉपिक कवर कर सकते हैं आज इसका कवर करेंगे। सो उससे पहले मैं एक सिचुएशन का एक क्वेश्चन दे रखा था, पूरा क्वेश्चन बना रखा था। मैं आपको बोलता हूँ कि आप वो, मैं क्वेश्चन लिख दूंगा पूरा, आप उसको उतार लेना, खुद करने की कोशिश करना, ठीक है ना। बुक अगर आपके पास है तो आप खुद करने की कोशिश करें, अदरवाइज जो है इलस्ट्रेशन ये है, इसमें हो क्या रहा है, ध्यान से सुने। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि ना पार्टनर्स, अब पढ़ लेता हूं मैं, कि दो पार्टनर थे एक्स इज टू वाई, इन पार्टनर्स की कुछ रेशो थी, वो जो रेशो थी वो थी 4:3, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या करा, नए पार्टनर को ऐड करने की सोची, तो जो नया पार्टनर था जेड, वो ब्रॉट कर रहा है, ब्रिंग मतलब ब्रॉट ला रहा है, कितना, 1 लाख रुपया कैपिटल का, गुडविल नहीं, 1 लाख रुपया कैपिटल, कैपिटल की बात करी, ठीक है। एंड 21,000, 21,000 ध्यान से सुनना, 21,000 ऑफ 1/3 शेयर, इसकी भी हमने बात करी थी, 20,000 एज गुडविल ऑफ 1/3 शेयर, यानी कि उसका एक तिहाई हिस्सा जो है वो 21,000 ले आया। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, है ना। गुडविल फर्म की कैपिटल, गुडविल नहीं बोली है, ठीक है, ध्यान से सुनना। यानी कि जो फर्म की गुडविल होगी वो 3 को 21,000 करना, यानी कि करीबन 63,000 के आसपास गुडविल होगी। बात वो नहीं है, वो मैं बता के रहा हूँ, 63,000 वो ध्यान से समझना अगली आगे बातों में। अभी गुडविल, अब ये सब बोल दिया आपको, अब ध्यान से सुनना आगे क्या बोलता है। वो एक लाइन लिख दिया,
बोला गुडविल अपियर्ड इन द बुक्स ऑफ फर्म एट रुपीज 28,000। ये सिचुएशन की अगर एक लाइन ऐसे आपके क्वेश्चन में आ जाए तो इस सिचुएशन के क्वेश्चन को कैसे करना है ध्यान से सुनना। लिखा क्या कि गुडविल अपियर मतलब दिखाई पड़ी है ना, ये अपियर आपकी बुक में अभी तक क्वेश्चन जो आपको बोले थे वो ऐसे नहीं बोला था, वो ऐसा बोला था कि भैया जो जेड एड हो रहा है वो एक तिहाई शेयर लाएगा, एक तिहाई शेयर की गुडविल लाएगा और गुडविल जो फर्म की है वो 60,000 है। तो हम क्या करते थे, जेड की गुडविल निकाल लेते थे, बोल देते थे एक तिहाई 60,000 का होगा और हम इसको सॉल्व करके जेड की गुडविल बता देते। हालांकि गुडविल दे रखी है जेड की, मगर ये जो 28,000 है ये ऐसा कुछ नहीं है, ये क्या है, ये कुछ और है, ध्यान से सुनना। फिर पढ़ता हूं अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है। लिखा हुआ है गुडविल अपियर इन द बुक्स ऑफ फर्म, फर्म की बुक्स में आपको गुडविल दिखाई पड़ी जो कि है 28,000 की, यानी कि ये गुडविल जो है असेट साइड में शो हुई होगी 28,000 की। भैया ये तो गुडविल नहीं लग रही, जिस हिसाब से हम ये निकाल रहे हैं ये तो वैसी गुडविल नहीं लग रही, तो इसमें क्या करेंगे। भैया ये ऐसी गुडविल है जो कभी भी आपको इन क्वेश्चनों में दे दी जाए तो ये गुडविल सबसे पहले एडजस्ट की जाती है पुराने पार्टनर्स के द्वारा, ठीक है ना। ये जो गुडविल है वो पुराने पार्टनर्स के द्वारा एडजस्ट की जाती है, ठीक है ना। वो कैसे एडजस्ट होगी ध्यान से, ये गुडविल जो है इसे राइट ऑफ किया जाएगा, ध्यान से सुनना, इस गुडविल को राइट ऑफ किया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये फर्म की गुडविल है, फर्म की गुडविल तो कुछ वैसे बन रही थी, ये गुडविल जो है ये राइट ऑफ करने वाली गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल है, सो इसको राइट ऑफ करेंगे और इसकी सबसे पहले इसकी जर्नल एंट्री होगी। जो गुडविल आपको अपियर हो रही है ना वो सारी एंट्री बाद में होंगी, सबसे पहले इसको एडजस्ट करेंगे। सो इसको कौन एडजस्ट करेगा, भैया पुराने पार्टनर, किस रेशो में, भैया पुरानी रेशो में, क्योंकि नई रेशो में थोड़ा ना करेंगे, वो तो पुरानी रेशो में करेंगे। सो क्या है, गुडविल डेबिट थी, क्या हो रही है, राइट ऑफ हो रही है, कम हो रही है, खत्म कर रहे हैं गुडविल, गुडविल शो नहीं होनी चाहिए, गुडविल जो है अपियर दिखा रखी थी 28,000 जो कि नहीं होनी चाहिए थी, गुडविल नहीं थी ये, तो इसको हटाओ, राइट ऑफ करो। राइट ऑफ करेंगे यानी कि डेबिट में बढ़ती है गुडविल, तो क्रेडिट में राइट ऑफ करके घटा देंगे टू गुडविल, कितना 28,000, और कौन हटाएगा, भैया 28,000 अमाउंट में पुराने पार्टनर यानी कि एक्स और वाई हटाएंगे, किस रेशो में, नई रेशो में नहीं, पुरानी ही रेशो में। पुरानी रेशो क्या है, 4:3 जो कि 4/7 है और 3/7, 4/7 28,000 का कितना हो जाएगा 16,000, और 28,000 में से 16 गया इसका 12,000, यानी कि एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये देखो असेट्स क्या है ज्यादा करके दिखा रखी थी, असेट जो है ज्यादा बता रखी थी, जबकि पता चला असेट्स नहीं दिखानी थी ज्यादा, 28,000 अपियर कर रखी थी, ज्यादा दिखा रखी थी, क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, अमोर्टाइजेशन करेंगे, कम करेंगे। सो गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, डेबिट में बढ़ती, क्रेडिट में क्या हो जाएगी, घट जाएगी, किस अमाउंट से 28,000। इसको आप इससे कंपेयर मत करो, ये आपको कंफ्यूजन के लिए दे रखा है, इसको इससे कंपेयर मत करो। अगर यहाँ लिखा होता गुडविल ऑफ फर्म तो आप इससे कंपेयर करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है गुडविल अपियर इन द बुक्स जो कि नहीं होनी चाहिए थी। सो गुडविल डेबिट से क्रेडिट हो जाएगी और नुकसान हुआ है तो ये कौन झेलेगा, ये जो अपियर कर रखी राइट ऑफ करी इसको कौन झेलेगा, इसको पुराने पार्टनर झेलेंगे पुरानी रेशो में 4:3 में, तो एक्स की कैपिटल डेबिट वाई की कैपिटल डेबिट विद द अमाउंट 16,000 एंड 12,000, ठीक है ना। एंड यहाँ पे नरेशन बीइंग द एग्जिस्टिंग गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ टू प्रियोर जेड एडमिशन एट द टाइम ऑफ जेड एडमिशन, ये गुडविल जो है राइट ऑफ करी है। क्या ये एक सिचुएशन, ये कोई हमने जो चार पांच सिचुएशन पढ़ी उसके सिचुएशन का क्वेश्चन नहीं है, बट कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिनको हमें समझना जरूरी है। क्या ये भाषा समझ में आई, इस पार्ट को अच्छे से लिख लेना, गुडविल जब अपियर हो जाती है तो हम कैसे करते हैं, ध्यान से सुनो एक चीज और मेरी, इस क्वेश्चन को आप पूरा करना, ठीक है ना, आप पूरा करना, मैं बार बार नहीं करा रहा, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में पूछ लेना, बट इस क्वेश्चन को आप पूरा ट्राई करें, जरूरी है, आपके पास बुक होगी एग्जांपल से खुद ट्राई करने की कोशिश करें, मैं समझाया है इतना आपको तो आपके लिए इजी होगा अगर आप प्रीवियस वीडियो देख रहे हैं। x is to y, 4 is to 3,
जेड लाया 1 लाख रुपए कैपिटल, ठीक है कैपिटल हो जाएगी। एंट्री क्या होगी कि भैया पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, कौन लाया? जेड लाया अपने एडमिशन, यानी कि उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी टू जेड कैपिटल। और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना? 21,000। इसको तो भूल जाओगे, पहले ये एंट्री होगी, उसके बाद एंट्री होगी वो सारी। उसके बाद उसके एंट्री करने के बाद क्या करोगे? सेकेंड एंट्री कि वही जो प्रीमियम फॉर गुडविल 21,000 है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। क्या नई रेशियो इस क्वेश्चन में दे रखी है? इसमें आपको नई रेशियो नहीं देगी। तो भैया नई रेशियो नहीं दी गई और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलती है? भैया आप बहुत अच्छे से जानते हो, फर्स्ट पार्ट की वीडियो आपने देख रखी होगी। तो आप अज्यूम वन को अज्यूम करके माइनस करके निकाल सकते हो, बहुत आसान है। तो वो सब हमने देख रखा है, इसलिए इस पार्ट को जल्दी से आप खुद कर लेना। उसके बाद हम अगले पार्ट पे चलते हैं, जल्दी से इसको उतार लो आप लोग। चलिए आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम आते हैं हमारी थर्ड सिचुएशन पे। अच्छा, थर्ड सिचुएशन से पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा था जो मैं पहले सोच रहा था कि आपको करा दूं, बट आगे जाके जब हम फुल फ्लैग क्वेश्चन करेंगे वहां पे भी हमें समझना है या फिर यहाँ पे भी समझना है, तो दोनों बात एक ही हो जाएगी। मैं अभी रिविजन कराते हुए समझा देता हूँ आपको। प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन आपने देखा था जिसमें आपने जर्नल एंट्री करी, जर्नल एंट्री को आपने अगले में अकाउंट बनाए थे पार्टनर्स कैपिटल, उसमें शिफ्ट करा था, याद होगा क्वेश्चन। पार्टनर्स कैपिटल के बाद क्या होता है? आप क्या करते हो? जर्नल, लेजर, और उसके बाद लेजर बनाने के बाद बैलेंस शीट में शिफ्ट करते हो। एक क्वेश्चन है जिसमें आपको वो सारी कैपिटल को एडजस्ट करने के बाद जो अमाउंट बचा है उस अमाउंट को बैलेंस शीट में शिफ्ट करना है, वो एक क्वेश्चन है। तो उसको मैं ओरली पढ़ लेता हूँ, समझा देता हूँ। जैसे कि होता क्या था, कैपिटल अकाउंट बनता था और यहाँ पे बैलेंस सीडी आते थे कैपिटल अकाउंट में। अगर आपको क्वेश्चन को याद करते होगे तो, अगर आपने नोट्स बना रखे उस क्वेश्चन पे आ जाना। सीडी बैलेंस होते थे, ये सारे सीडी बैलेंस कहाँ शिफ्ट हो जाते थे? बैलेंस शीट में कैपिटल के नाम से लायबिलिटी साइड में। तो उसके बारे में इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा, क्योंकि हम जब क्वेश्चन करेंगे तभी भी वो इतना मुश्किल चीज नहीं है। अगर आपने 11th अच्छे से पढ़ी है तो इतनी मुश्किल चीज नहीं, बहुत आसान सी, बट प्लॉट करना है तो इसलिए क्वेश्चन आपको उसमें दिया। बट हम अभी थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। हमारे थर्ड पार्ट कहता था कि नया पार्टनर जब आता है गुडविल का पैसा लाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में पुराने पार्टनर्स को बांट दिया जाता है। बट सेकंड सिचुएशन हमने पढ़ा था कि वो पैसा रिटेन कर रहे हैं। थर्ड सिचुएशन कहती थी कि उसी पैसे को पुराने पार्टनर्स अपने घर ले जा रहे हैं। तो उसी का मैं एक क्वेश्चन उठा रहा हूं और उसी को हम समझते हैं। तो एक इलस्ट्रेशन, थर्ड सिचुएशन जिसमें वो पैसा अपने घर ले जा रहे हैं। तो पहले हम इसका इलस्ट्रेशन करेंगे फिर इसकी जनरल एंट्री। तो स्ट्रॉन्ग एंड वीक एस इज टू डब्ल्यू पार्टनर्स है इन अ रेशियो ऑफ 2:3, ये इनकी प्रॉफिट रेशियो। उन्होंने एबल इसको ऐड करा विद 1/4 शेयर, 1/4 शेयर के साथ, ठीक है भाई। एबल ब्रॉट 1 लाख ऑफ हिज कैपिटल, 1 लाख लाया अपनी कैपिटल, ठीक है, एंड 36,000 एज प्रीमियम। ये 36,000 प्रीमियम फॉर गुडविल है, बोल ही दिया अपने शेयर की गुडविल लाया, ठीक है। आपको बोलता है जो नई रेशो थी इनकी वो थी एस इज टू डब्ल्यू इज टू ए विच इज 3:3:2। ओके, नाउ स्ट्रॉन्ग एंड वीक विड्रॉ द प्रीमियम फॉर गुडविल फ्रॉम द बिजनेस। और स्ट्रॉन्ग और वीक ने वो पैसा बिजनेस में रिटेन नहीं करा, वो पैसा अपने घर ले गए। तो एक एंट्री जनरल एंट्री फालतू बनेगी, उस क्वेश्चन को हम करते हैं। भैया सबसे पहला काम कि वो जो पैसा बांटेंगे वो सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटेंगे, वो सेक्रीफाइसिंग रेशो हमें निकालनी है। नई रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकलती है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर एट द टाइम ऑफ एडमिशन, है ना। सो ओल्ड शेयर किस किस की? एस ओ डब्ल्यू की निकल सकती है, एस की निकाल रहे हैं। एस का ओल्ड शेयर था 2/5, नया शेयर क्या हो गया? 3, 3, 6 और 2, 8, 8, 8, 8, यानी कि 2/5 - 3/8, इसको हम एलसीएम लेंगे 45 × 8, 8 × 16 - 8 × 5, 5 × 3 = 15, which is 1/40, and W की जब हम निकालेंगे which is उसका पुराना शेयर 3/5 था, नया शेयर हो गया 3/8,
पांच अट्ठे चालीस, पांच के पांच चालीस, आठ नंबर पे आठ तिया चौबीस, माइनस आठ पंजे पांच तिया पंद्रह, जो कि हो गया 9/40, यानी कि जो रेशो बनी वो 1:9 बनी, है ना। नीचे 40 को मत गिनना, सेक्रीफाइसिंग में 40 को नहीं देखते। सो एस इज टू डब्ल्यू की जो रेशो बनी, यानी कि जो उन्होंने सेक्रीफाइस करा वो ये अमाउंट में करा, यानी कि जो गुडविल का 36,000 है वो 1:9 में बांटा जाएगा और उसको वो अपने घर लेके चले जाएंगे। तो अभी हम आते हैं जर्नल एंट्री पे। सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? सबसे पहली जर्नल एंट्री होनी चाहिए कि बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आया। भैया पैसा कितना आया? पैसा 1,00,000 और 36,000 दोनों आया है ना। सो बैंक अकाउंट डेबिट विच इज 1,36,000 किस किस रूप में आए? टू एज कैपिटल, एक तो ए की कैपिटल के रूप में आया और एक टू प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में आया। ये 1,00,000 और ये 36,000। क्या ये भाषा आपको समझ में आई? यहां नरेशन लिख देंगे, नरेशन भी मैं पढ़ लेता हूँ उसकी, ठीक है ना। सो जो नरेशन है, विच इज बीइंग द अमाउंट ऑफ प्रीमियम गुडविल एंड कैपिटल ब्रॉट बाय सी, ठीक है ना, जो सॉरी ए, जो एबल है ना, ब्रॉट इन कैश या फिर बैंक बाय ए। ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। ऐसा डेट भी दे रखी हो, क्वेश्चन में डेट जरूर डालना, ठीक है ना। फर्स्ट एंट्री तो होती थी ऐसी। उसके बाद ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में बांटा जाता था, तो लिखते थे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल सेक्रीफाइजर, एस टू डब्ल्यू कैपिटल अकाउंट। अब ये चीज अच्छी है, गुडविल का पैसा 36,000, क्या पता है कितना कितना बांट रहे? नहीं, वो तो निकालना पड़ेगा। तो 1:9 है, यानी कि 1:9 इसमें ये बांट रहे हैं। 1:9 मतलब 1/10:9/10 में इसमें बांट रहे हैं। 1/10 36,000 का कितना हो जाएगा? 3600, है ना। एंड 9/10 वो तो आप 36,000 में से 3600 माइनस करके भी लिख दोगे। मैं जो है डायरेक्ट लिख लेता हूँ, विच इज 9/10 ऑफ 36,000, जो कि हो जाएगा 32,400। यानी कि एस जिसने कितना सैक्रिफाइस किया? जिसने सिर्फ 3,600 सैक्रिफाइस किया, और डब्ल्यू जिसने 32,400। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे लिख दोगे आप कि जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर थे उन्होंने सैक्रिफाइस पैसा उनको मिल गया। अब ध्यान से सुनो, यहां तक हम करते थे सेकंड सिचुएशन तक, मगर थर्ड सिचुएशन आपको बोल दिया कि वो पैसा अपने घर लेके जा रहे हैं। तो भैया घर लेके जा रहे हो तो बताना तो पड़ेगा ना, आप अपनी कैपिटल बढ़वा लिए, अब इस बड़ी हुई कैपिटल को आप पैसा घर लेके जा रहे हो, तो ठीक है। तो अब क्या होगा? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसा ले गए, पैसा गया और इनकी कैपिटल डेबिट कर दी। कितने से? जितना अमाउंट लेके गए, 3,600, 32,400, विच इज टोटल ऑफ 36,000। इसको समझते हैं, कैपिटल क्या हो गई थी? बढ़ गई थी, क्योंकि बिजनेस में पैसा रख रखा था, है ना। वो पैसा वो ले गए, तो हम क्या कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं पैसा ले गए, ठीक है, पैसा गया कैश, ठीक है ना। तो अब उसको वसूलेंगे कैसे? कि आप पैसा ले गए, जो हमने आपकी कैपिटल बढ़ा रखी थी, अब हम वो कम कर देंगे। तो कैपिटल कम कर दी और पैसा दे दिया। क्या ये केस समझ में आया? ये थर्ड केस था। इसी का एक और एग्जांपल दे रखा है, वो भी लगभग सेम है, उसमें भी कोई आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अगले में क्या होगा? या तो आधा पैसा ले गए होंगे, ठीक है ना। तो मान लो जैसे इसका आधा पैसा ले गए, इसी सिचुएशन में समझ लेते हैं, आधा आधा पैसा ले गए, तो 3600 का आधा कितना होगा? 1,800, है ना, और 32,400 का आधा हो जाएगा 16,200। तो ये पैसा वो ले गए, तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिख देंगे कि 1,800 ले गए और 16,200 ले गए, जो कि टोटल था 18,000। बस आधा पैसा ले जाएंगे तो आधे आधी से एंट्री कर देंगे, है ना। सो ये हमारी थी थर्ड सिचुएशन, जिसके दो एग्जांपल, जिसमें एक में आधा आधा पैसा ले जा रहा है, एक में पूरा। तो ये थर्ड कुछ ज्यादा मुश्किल है नहीं। फोर्थ सिचुएशन पे आएंगे, फिलहाल आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए। फोर्थ इलस्ट्रेशन पर हम आते हैं, जल्दी से इसको उतार लो आप लोग, फिर हम आगे चलते हैं। तो अब हम लोग आते हैं इसकी फोर्थ सिचुएशन जो थी। थर्ड सिचुएशन तक हम कर चुके हैं, फोर्थ सिचुएशन क्या थी? सुना होगा आपने उसके बारे में, गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड। गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड, बहुत सारे तरीके से गुडविल लाई, कैसे?
वो हम समझते हैं। न्यू और इनकमिंग पार्टनर में ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन द फॉर्म ऑफ असेट्स। तो ध्यान से सुनना, यहीं पर बोल दिया, न्यू और इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल इन द फॉर्म ऑफ असेट्स। असेट्स क्या? बहुत सारी चीजें होती है असेट्स में। तो क्या हो रहा है, नया पार्टनर जो आ रहा है वो गुडविल और इन सब का पैसा जो ला रहा है वो असेट्स की फॉर्म में ला रहा है। उसकी कैसे एंट्री होगी वो हम समझते हैं। भैया असेट्स ला रहा है, बिजनेस में अच्छी चीज है, पैसा नहीं ला रहा तो असेट्स ला रहा है, तो वो कैसे हो उसकी सिचुएशन, उसमें क्या होगा, ध्यान से सुनना। वो आएगा यहां पर, अभी चेंज क्या हो रहा है, यहां हुआ करता था, फर्स्ट एंट्री हुआ करती थी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, उसकी कैपिटल जो ऐड होता था, और प्रीमियम फॉर गुडविल। लेकिन इस बार वो बैंक या कैश नहीं ला रहा, इस बार वो असेट्स ला रहा है, तो असेट्स बढ़ गई, इसलिए असेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगी टू उसकी कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, एंड टू सेम वही प्रीमियम फॉर गुडविल। फर्स्ट एंट्री ये चेंज हुआ, अभी तक बैंक या कैश आता था, अब असेट्स आ रही है। और दूसरी एंट्री क्या, वही बाकी सब वही एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सेम, कोई चेंज नहीं, बस इतना सा ही है फोर्थ पार्ट, यही इसकी एंट्री होती है। समझ में आया? इसका एक क्वेश्चन वैसे कर लेना चाहिए, तो पहले आप इसकी जनरल एंट्री उतार लो, फिर इसका हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं और अगले फिफ्थ पार्ट पर हम आगे चलते हैं। हम इसमें हिडन गुडविल के बारे में भी बात करेंगे, अभी फिलहाल हम आगे चलते हैं। चलिए इसका एक इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। प्रीमियम ब्रॉड इन काइंड, एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग रेशियो विद 3:2। एक्स और वाई पार्टनर है, ठीक है, एक्स इज टू वाई विद द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। उसके बाद बोलता है ऑन 1st अप्रैल 2017 दे एड जेड, उन्होंने एड करा जेड को, ठीक है भाई, एज अ न्यू पार्टनर विद 3/13th ऑफ शेयर, ठीक है, एंड द न्यू रेशियो विल बी, न्यू रेशियो विल बी 5:5:3, ठीक है। कंट्रीब्यूटेड जेड, कंट्रीब्यूटेड जेड ने कंट्रीब्यूट करा द फॉलोइंग असेट्स टू हिज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो जो उसको गुडविल और असेट्स में, सॉरी, जो गुडविल और कैपिटल में हिस्सा लाना था, वो जो हिस्सा जो उसको कंट्रीब्यूट करना था, वो पैसे ना देकर उसने असेट्स में कंट्रीब्यूट करा। असेट्स कौन कौन सी, अब देखो असेट बहुत सारी ला सकता है, तो यहां बात कर ली बहुत सारी असेट्स की, तो वो कैसे, वो असेट्स क्या क्या लाया, तो वो स्टॉक ला, स्टॉक लेकर आया जो कि था 80,000 का, वो डेटर लेकर आया जो कि थे 1,20,000 के, वो लैंड लेकर आया जो कि 2,00,000 रुपए की लैंड थी, वो प्लांट और मशीनरी लेकर आया जो कि 1,20,000 का था, और ये सारी वो असेट्स लेकर आया। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन गुडविल, अच्छा देखो ये लाइन ध्यान से सुनना, अगर आप स्टार्टिंग में गुडविल जो थी वो और उसमें डिफरेंस पहचानोगे, ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड, जब जेड का एडमिशन हो रहा था उस टाइम पे, लाइन सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, द ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 10,40,000। मतलब समझ रहे हो, एक हमने पढ़ा था जो उसमें था गुडविल, उसको मैं पढ़ लेता हूं उस पूरी लाइन को, गुडविल अपीयर इन द बुक्स ऑफ फर्म, और ये है गुडविल वैल्यूड एट द फर्म, वो अपीयर दिखाई पड़ी थी, जो कि आपका उससे कोई लेना देना नहीं था, वो फालतू की दिखाई दी थी, यानी कि उसको आपको राइट ऑफ करना था, मगर यहाँ पे क्या बताया कि गुडविल का कितना हिस्सा ला रहा है, नहीं, यानी कि ये गुडविल जो निकालनी है ये वैल्यू करने वाली निकालनी है ना, यानी कि गुडविल जो फर्म की है वो 10,40,000 है, जिसमें वो अपना 3/13 का हिस्सा लेकर आएगा, है ना, जो वो नई रेशो से ला रहा है, सो 3/13 इसका निकाल लेंगे, मैं डायरेक्ट आंसर सीख लूं तो इसका जेड का जो हिस्सा होना चाहिए वो है 2,40,000, सॉल्व कर लेना, यानी कि जो उसको गुडविल लानी थी 2,40,000 लानी थी, और यानी कि ये पूरा अमाउंट वो ला रहा है, ध्यान से सुनना, ये पूरी अमाउंट है कितनी, 2,00,000, 2,00,000, 4,00,000, 4,00,000 और 1,20,000, 5,20,000,
5,20,000 टोटल अमाउंट आ रहा है, जिसमें से कुछ कैपिटल होगी और कुछ गुडविल होगी। गुडविल कितनी है? 2,40,000, यानी कि बचा हुआ अमाउंट यानी कि 2,80,000 जो है वो क्या है? कैपिटल है, और 2,40,000 जो कि हमने अभी कैलकुलेट करके निकाली वो गुडविल है। सो पूरी एंट्री हो गई। अब इसकी एंट्री क्या होगी? एंट्री समझिए, बहुत इजी है, घबराना मत, कुछ भी नहीं है, आप खुद ही बता दोगे। क्या क्या लाया? स्टॉक लाया, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर लाया, डेटर अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, टू जेड नाम है, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ऐसे ध्यान से सुनना, क्या इसमें आपको बोला कि पार्टनर अपना हिस्सा ले जा रहे हैं? नहीं बोला, यानी कि बिजनेस में रिटेन हो रहा होगा लेकिन देंगे नहीं उन्हें, ठीक है ना? सो नहीं बोला होगा तो आप उसको यही मानेंगे कि रखा हुआ बिजनेस है। तो स्टॉक कितना? 80,000। डेटर कितना? 1,20,000। लैंड कितनी? 2 लाख। प्लांट एंड मशीनरी कितनी? 1,20,000। और जिसमें से कैपिटल कितना? क्योंकि देखो यहाँ कैलकुलेशन करते हुए आपको पता ही नहीं था ना कैपिटल कितनी है एक्चुअल और गुडविल कितना है। पूरा लाया लेकिन इसमें से कैपिटल हमने कैलकुलेट करके पता लगा कि 2,80,000 है और गुडविल जो है 2,40,000 है। ये सब हमने पता लगाया। अब गुडविल जो है 2,40,000 ये क्या होगी? पुराने पार्टनर से बढ़ जाएगी। किस रेशो में? सेक्रीफाइजिंग रेशो में। क्या निकाली? नहीं निकालेंगे। सेक्रीफाइजिंग रेशो कैसे निकलती है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सो एक्स की निकाल रहे हैं, एक्स का ओल्ड शेयर 3/5, न्यू शेयर कितना है? 5/10 है ना, सॉरी 5/13 न्यू शेयर, क्योंकि 5 और 5 10, 10 और 3 13, 5/13, 5/13, 3/13। सो इसकी भी एक अच्छी कैलकुलेशन बनेगी है, तो ये भी हमें टेक लेना चाहिए। सो इसका एलसीएम 5 और 13 का एलसीएम जो आप लोगों के 65 आएगा, 5 के पार्ट 65, 13 नंबर पे 13 × 39, 13 के पार्ट 5 नंबर, 5 × 25, विच विल बी 14/65। वाई भी निकालते हैं जो कि है 2/5 − 5/13, विच विल इक्वल टू 65, 5 × 13, 13 × 26, ये आपका सेम हो जाएगा 25, विच विल बी 1/65। यानी कि एक्स और वाई की सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी है? 14:1, यानी कि 2,40,000 रुपए की जो अमाउंट है वो कितनी रेशो में बटेगी? वो बटेगी 14:1 में, यानी कि 14:1 बोले तो 14/15 × 1/15, 14/15 का 2,40,000। अब ध्यान से, अब सुनिए, सेकंड एंट्री क्या होती थी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल का पैसा 2,40,000 है, 2,40,000 का 14/15 जो है, तो गुडविल का जो पैसा है वो कैसे कैलकुलेट होगा? वो आप निकालेंगे 14/15 × 2,40,000 जो कि हुआ 2,24,000। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, कैलकुलेशन आप करना जरूर। यानी कि जो एक्स को मिला सेक्रीफाइसिंग हिस्सा वो 2,24,000 है और जो वाई को मिला वो है 16,000। क्या समझ में आया? अगर ये सिचुएशन है जब एक पार्टनर कैपिटल वैपिटल ना लाए, उसके बदले आपसे असेट्स ले आए, तो हम किस तरीके से करेंगे, इसका एक इलस्ट्रेशन करा। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे के इलस्ट्रेशंस पर चलते हैं, इसको फिलहाल आप जल्दी से उतार लीजिए। तो हम लोग एक आगे के पार्ट्स कंप्लीट करने जा रहे हैं, जो हमारा लास्ट पार्ट था, उसके बाद हम एक हिडन गुडविल का नाम भी सुनेंगे, हिडन गुडविल क्या होती है। और ये जो नेक्स्ट पार्ट है ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से सुनना, बहुत अच्छे से समझना। अभी तक क्या है, आपको इतना मुश्किल नहीं लगा होगा ट्रीटमेंट करना गुडविल का, बट मुश्किल तो नहीं है आगे जाके भी, लेकिन अच्छे हैं, तो ध्यान से सुनना। तो ये क्या बोलती है सिचुएशन, कि हमारी जो एक लास्ट सिचुएशन थी जो आपने पढ़ी भी होगी, व्हेन गुडविल, जो गुडविल है इज नॉट ब्रॉट इन फुल और पार्ट, नॉट ब्रॉट इन फुल और पार्ट इन कैश बाय अ न्यू और इनकमिंग पार्टनर। जब नया पार्टनर गुडविल का हिस्सा ना लाए या आधा लाए, तब कैसे एंट्री होंगी? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक सिचुएशन, तो एक बात और करी थी जिसको यहां पर अब एक्सप्लेन किया गया है,
कि जब गुडविल ऑलरेडी अपियर होती है, तो वो तो हम क्लियर कर चुके, उसके बारे में नहीं बताऊंगा। अभी जो नई एंट्री है उसके बारे में बता रहे हैं, तो इस सिचुएशन में क्या होगा वो हम समझेंगे। तो ये सिचुएशन बोलती है, भैया कुछ भी कारण हो सकता है, वो आधा गुडविल लाया, नहीं होगा उसके पास पैसा, तो हम क्या करते हैं, बोलते हैं हम तुझे बख्शेंगे नहीं, हम इस हिस्से को तेरी कैपिटल में से डेबिट कर लेंगे, जो तेरी कैपिटल बढ़ रही है ना उसको क्रेडिट नहीं करेंगे, जो हिस्सा तू नहीं लाया वो हिस्सा हम जो है डेबिट कर लेंगे। तो एक एग्जाम्पल उठाता हूँ और समझता हूँ और समझाता हूँ, मैं इसकी जनरल एंट्री नहीं करा रहा, जनरल एंट्री चलो मैं करा ही देता हूँ, समझा ही देता हूँ। तो होती क्या है, सिंपल सा आपको पता ही है, बैंक अकाउंट डेबिट फर्स्ट एंट्री, टू उसकी पार्टनर्स की कैपिटल, या फिर टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फर्स्ट तो ये होती थी, सेकंड क्या होनी चाहिए, सेकंड होनी चाहिए थी ये प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हो जाता था, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। मगर जब पैसा ही आधा या पूरा आया हो तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दोगे कितना, उनको तो पूरा हिस्सा चाहिए गुडविल का, तो गुडविल का क्रेडिट साइड तो उन्हें पूरा चाहिए, जबकि डेबिट साइड तो पूरी भरी हुई है ही नहीं। तो डेबिट करने के लिए जो नया पार्टनर है उसकी, न्यू पार्टनर्स की कैपिटल को यहां पर डेबिट किया जाता है। मान लो 30,000 सेक्रीफाइसिंग पैसा था, जिसमें से लाया ही वो 20,000, तो 10,000 उसकी कैपिटल को डेबिट करके एडजस्ट किया जाएगा, जो हो जाएगा न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या ये बात आपको समझ में आई? सो इस तरीके से ये सिचुएशन का क्वेश्चन होएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे, उसको समझेंगे। चलिए, ए और बी पार्टनर है विद अ रेशियो ऑफ 3:2, सी को उन्होंने ऐड करा विद 1/4 शेयर, ठीक है, और सी ने जो शेयर वो सी को दिया, सी उसमें से, ध्यान से सुनना, सी विच ही टेक्स 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/12 फ्रॉम बी। तो सी जो शेयर लाया उसमें से 1/6 ए से लिया और 1/12 बी से लिया। ये आप अगर रेशियो के कंपैरिजन में करके देखो तो ये पर्टिकुलर फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है ना। सो हमें अभी इससे कोई काम नहीं, हम रेशियो थोड़ा निकाल रहे हैं। हाँ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, जो कि इसमें पता ही है कि इतना इसने दिया, यानी कि ये दोनों की सेक्रीफाइसिंग ही होगी, है ना। सो दोनों की सेक्रीफाइसिंग ये होगी, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगी, भैया जितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया 1/6 और 1/12, 1/6:1/12, जिसको नीचे का नंबर सेम नहीं है, जिसको अगर हम सेम बनाए तो 2:1 कुछ बन जाएगा। सो जब आप इसको सेम बनाओगे, आप नीचे के फ्रैक्शन सेम नहीं है ना, सेम बनाना पड़ेगा, तो सेम बनाओगे तो 2:1 फ्रैक्शन बन जाएगी, यानी कि जो उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है पुराने पार्टनर्स की वो 2:1 है, ठीक है ना। सो आगे चलते हैं। तो और बोलता है कि सी जो है वो 18,000 रुपए की कैपिटल लाया, गुडविल लाया, सॉरी, सी जो है वो जो गुडविल लाया वो 18,000 रुपए की लाया, जबकि उसके शेयर की जो गुडविल थी वो 30,000 थी, यानी कि कितना कम लाया, 12,000 का गुडविल कम लाया। ये कहां से एडजस्ट करेंगे, उसकी गुडविल, ओ सॉरी, उसकी कैपिटल डेबिट करके एडजस्ट करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं, कैसे करेंगे, तो जनरल एंट्री पर आते हैं। सबसे पहला क्या आया, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना अमाउंट, 18,000, एक्चुअल अमाउंट कितना है, 18,000। उसके बाद थी कितने का वो अमाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट जो कि है 18,000, वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ए और बी को कितना में बंटना चाहिए, भैया वो 30,000 में बंटना चाहिए, है ना, 30,000 की उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो से देखा जाए तो 20 और 10,000 में, है ना। क्या 20 और 10,000, 30,000, 18,000 के बराबर कैसे हुआ, यानी कि जो बचा हुआ अमाउंट है वो सीज कैपिटल से एडजस्ट होगा, यानी कि सी की जो कैपिटल है वो अमाउंट उससे एडजस्ट होगा। क्या ये इस सिचुएशन का क्वेश्चन आपको समझ में आया, जिसमें पुराने पार्टनर, जो नया पार्टनर है
वो कम पैसा लाता है तो वो कम पैसा उसकी कैपिटल डेबिट करके एडजस्ट कर लिया जाता है। अगर 30,000 लाता है तो यहाँ 30,000 होता है, यहाँ 20 होता है, 30। सो उम्मीद है आपको इसी सिचुएशन का एक क्वेश्चन समझ आया होगा। एक और क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही है, कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अच्छा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा डिफरेंस क्या है वो मैं बता देता हूँ भैया। दो तरीके की कैपिटल होती है जिसके बारे में हमने बात अभी तक नहीं करी है, जो कि फर्स्ट चैप्टर में आता है, फिक्स कैपिटल एंड करंट कैपिटल। फिक्स कैपिटल दो तरीके की कैपिटल होती है, एक फिक्स होती है और करंट होती है। तो जब करंट कैपिटल, अब ध्यान से सुनना, अगर मान लो दो तरीके की कैपिटल चल रही है तो एडजस्टमेंट किसमें होती है, तो जो फिक्स कैपिटल होती है ना उसके अंदर सिर्फ जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो तब कैपिटल जुड़ती है। पूरे साल जितने भी चल रहे हैं वो बैलेंस बीडीसीडी एज इट इज उतरता है, जबकि इतनी सारी चीजें होती हैं इस कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल बढ़ती है, ड्राइंग होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इतनी सारी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें एडजस्ट कहाँ होती हैं। एक नया अकाउंट बनाया जाता है जिसे कहा जाता है कैपिटल करंट अकाउंट, और उसके अंदर ये सारी एंट्रियां होती हैं। यानी कि अगर करंट अकाउंट वाली सिचुएशन हुई तो यहाँ सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट ना लिख के सीज करंट अकाउंट, करंट कैपिटल अकाउंट आपको लिखना पड़ेगा, उसकी भाषा आप समझिए, ठीक है ना। सो इस तरीके से उसको करेंगे, ठीक है ना। जल्दी से इसको कर लो, इसका एक और क्वेश्चन जो है आगे का हम पढ़ेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। देखो अभी जो मैंने आपको कराया उसमें ये पार्ट था कि जो नया पार्टनर आता है वो किसी सरकमस्टेंसेस की वजह से पैसा गुडविल का नहीं ला पा रहा या आधा पैसा ला रहा है। तो अभी तो हमने सीखा जिसमें आधा पैसा लाता है तो आधा उसकी कैपिटल से एडजस्ट कर लिया जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं कि पूरा पैसा नहीं लाया तब क्या करेंगे। तो जब पूरा पैसा नहीं लाएगा तो उसकी सिचुएशन हम देखते हैं। उससे पहले एक इलस्ट्रेशन है आपको कराने के लिए दिया है, वो मैं सोच रहा था कि ये इलस्ट्रेशन आपको कराया जाए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से समझना, कंफ्यूजन हो सकती है। मैं इसकी एंट्रीज नहीं कराऊंगा, आप इसकी एंट्री खुद करना, मैं सिर्फ समझाऊंगा। अच्छा एक बार, अभी क्या है ना, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इसके इलस्ट्रेशन में, अब ना आपको दो वर्ड और जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बोल रहे गुडविल अपियर 10,000 इन द बुक ऑफ अकाउंट्स, एक होता है अपियर और एक होता है गुडविल वैल्यूड एट, है ना। सो जो गुडविल वैल्यूड होती है वो नए पार्टनर के आने के लिए शेयर के लिए निकाली जाती है, लेकिन जो गुडविल पे लिखा जाए गुडविल इज अपियर्ड दिस, उसका मतलब वो पुराने पार्टनर पुरानी रेशो में उसको क्या करेंगे, उसको राइट ऑफ करेंगे, है ना। तो वो बात ध्यान रखना, तो वो बात दी जा रही है, मैं उसको नहीं समझा रहा, ठीक है ना। सो उसी के केस में केस बदल रहे हैं आपके, तो आप बुक से इलस्ट्रेशन देखोगे बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको ये वीडियोस। तो हम समझते हैं आगे के इलस्ट्रेशन जिसमें बोलता है कि अपनी कैपिटल का ऐसा कुछ पार्ट्स में ला रहा है। चलो पुराने पार्टनर जो है एक्स इज टू वाई, वो जो रेशो में है विद अ रेशो ऑफ 3:2, ठीक है ना, वो 3:2 की रेशो में है। इन द फॉर्म दे एग्री टू एड जेड, इन्होंने जेड को एग्री करने के लिए करा 1/5 शेयर, ठीक है भाई। जेड एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई, जेड ने एक्वायर करा अपना ये जो शेयर है वो 2:3 रेशो में एड करा, ठीक है ना। और गुडविल ऑफ द फॉर्म वैल्यू, गुडविल को वैल्यूड करा, यानी कि ये फर्म की गुडविल है इसको राइट ऑफ मत कर देना, वो 50,000 थी, ठीक है। पहले सारी स्टेटमेंट लिखते हैं जेड, अब ये कहानी आ गई थी, ये एक्वायर एक्वायर कंफ्यूज मत हो ना, समझ लेंगे, हमें रेशो नहीं निकालनी है ना। अब ये बोल रहा है जेड ब्रिंग्स ओनली 60% ऑफ शेयर, जेड ब्रिंग्स 60% ऑफ His share of goodwill, मतलब कि जितना भी उसकी गुडविल का हिस्सा था उसका वो 60% लेकर आया है, ठीक है ना। एंड ₹2,00,000 जो 2,00,000 रुपए था वो कैपिटल के रूप में लाया है, ठीक है ना। बोलता है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, तो ये जर्नल एंट्रीज हमें समझनी है। ये मैंने पूरा क्वेश्चन बोला, बहुत सारी दुविधाएं, बहुत सी सारी चीजें थी, समझेंगे अच्छे से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है, बहुत आसान लगेगा, बस एक एक स्टेप और एक एक कंसेप्ट की चीजें अच्छे से समझना, ठीक है ना। तो ये पैसा 2,00,000 वो अपनी कैपिटल ला रहा है,
मगर बेचारा कुछ भी रीजन होगा, बेचारा नहीं, क्या पता गुन्ना, सो वो 60% ही गुडविल का ला पा रहा है, मतलब जितनी भी उसकी गुडविल थी वो उसका 60% ला पा रहा है। क्या हम पता लगा सकते हैं कि वो 60% कितना है? अगर हम उसकी गुडविल पता लगा लें तो उसका 60% हमें पता चल जाएगा। उसकी गुडविल कितनी है? कुछ बच्चे कहते हैं 50,000। नहीं, 50,000 उसकी गुडविल नहीं है, 50,000 उसकी गुडविल नहीं, 50,000 फर्म की गुडविल है, उस फर्म में उसके शेयर की गुडविल होगी। यानी कि उसका शेयर कितना? 1/5। सो 1/5 ऑफ 50,000 उसका शेयर होगा, जो कि पता चला कि उसके हिस्से की गुडविल जो है 10,000 है, जिसमें से वो उसका 60% ला पा रहा है। यानी कि 10,000 में से 6,000 ला पा रहा है और 4,000 बेचारा नहीं ला पा रहा। यानी कि 4,000 को हम क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे उसकी कैपिटल, जो भी 2,00,000 रुपए ला रहा है ना, उससे डेबिट करेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? अभी तक हम ये भी सीख रहे पार्टली वाला ही है ना। सो अब हम करेंगे एंट्रीज। एंट्रीज के लिए आपको अगर क्वेश्चन से थोड़ी टफ लग रहा हो कि भैया उसकी रेशो है, वो एक्वायर कर रहा है, तो उसकी ओल्ड रेशो, शेयरिंग रेशो कैसे निकालेंगे, उसमें उतना कोई दुविधा वाली बात नहीं है, हमें इतना कोई लेना देना नहीं है। हम पहले समझते हैं एंट्री क्या होगी। फर्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू Z's कैपिटल, क्योंकि कैपिटल भी लाया है इस बार, Z's कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या गुडविल लाया? नहीं लाया, लाया कुछ कम लाया, लेकिन लाया है तो लिखना। सो टोटल पैसा जो आया है वो 2,06,000 आया है, जिसमें से 2,00,000 कैपिटल है और 6,000 जो है गुडविल है, जबकि गुडविल टोटल 10,000 होनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, अब क्या करेंगे? वो हम बांट लेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। भैया लाया ही 6,000 है, कोई बात नहीं, 4,000 जो कि बच गई है वो हम उसकी कैपिटल से एडजस्ट करेंगे। तो उसकी कैपिटल, Z's की कैपिटल क्या कर लेंगे? डेबिट कर लेंगे नए पार्टनर की ओर, सैक्रिफाइसिंग X कैपिटल और Y कैपिटल को दे देंगे। अच्छा, किसी भी स्टेज में बात नहीं हो रही कि पार्टनर अपने पैसा घर में ले गए, तो वो बिजनेस में रिटेन हो रहा होगा। यानी कि 10,000 को पुराने पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशो में रख लेंगे। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकालोगे वो आप ध्यान सुनना। आप रेशो का चैप्टर अच्छे से मुझे उम्मीद है समझ चुके होंगे। भैया ये हिस्सा 2:3 एक्वायर करा इनसे, इसका इस हिस्से का 2:3 एक्वायर करा इनसे, तो इस हिस्से का 2:3 निकालोगे। यानी कि जेड ने 2/5 ऑफ इस शेयर का इससे एक्वायर करा होगा, 2/5 ऑफ 1/5 का निकालोगे, उससे उसको माइनस करोगे, पता चलेगा। हमें नई रेशो ढूंढना निकालना, हम तो सैक्रिफाइसिंग निकालने, हम ये पता लगाने कि सैक्रिफाइस कितना करा है। तो 2/5 इसका कर लोगे, 3/5 इसका कर लोगे, पता चल जाएगा। मैं अभी फिलहाल आंसर कर रहा हूं, तो मैं आंसर से लिख देता हूं। अदरवाइज आप रेशो का चैप्टर समझ चुके हैं, रेशो निकालनी समझ चुके हैं, तो आप जल्दी ही निकाल लोगे, उसमें आपको कोई परेशानी होगी नहीं। अदरवाइज यहां पर बात करी गई है कि जेड ने एक्वायर करा है 2:2 एक्स और वाई ने, जेड ने जो एक्वायर करा है शेयर एक्स एंड वाई से, वो 2:3 में एक्वायर करा है, 2:3 एक्वायर करा है। देखो मैं थोड़ा सा गलत बोल दिया, क्योंकि इस क्वेश्चन को पढ़ लेना। उसने बोला कि जेड एक्वायर हिज शेयर इन द रेशियो ऑफ 2:3, इस शेयर को 2:3 में बांटा है, इस शेयर का 2:3 हिस्सा नहीं बांटा, इस शेयर को वो 2:3 में लेकर आया। यानी कि जो सैक्रिफाइसिंग होगा वो यही होगा। सो इसको सैक्रिफाइसिंग में आप बांट लोगे 2:3, जो कि 6,000-4,000 ही बन जाएगा। इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये एक और पार्टली वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है ना। सो इसके बाद हम एक इलस्ट्रेशन और करेंगे, जिसमें पूरा पैसा जो है नहीं लाया होगा, अभी तक आधा ला रहा था, अभी एक में लाएगा ही नहीं, तो नहीं लाएगा। चलो उसको भी हम एक काम करते हैं, ऐसे समझ लेते हैं। तो अगर मान लो कि यहां तो बोल दिया कि 6% 60% ला रहा है, अगर 60% नहीं लाया होता, यानी कि पूरा 10,000 रुपए का जो गुडविल आना था वो पूरा नहीं लाया, तो कैसे करेंगे? तो एंट्री होती प्रीमियम फॉर गुडविल होता नहीं, क्योंकि गुडविल तो लाया ही नहीं, सिर्फ 2,00,000 रुपए होता है ना, सिर्फ 2,00,000 रुपए होता। और यहां पर जब प्रीमियम फॉर गुडविल लाया ही नहीं है, तो यहाँ डेबिट क्यों करते? फिर होता क्या भैया, जो 2,00,000 रुपए की कैपिटल लाया है उससे पूरा 10,000 रुपया लिया जाता, और वो 4,000 2:3 4,000 और 6,000 के रेशो में बांटा जाता है।
क्या आपको समझ में आया? जब पूरी जब वो गुडविल ला ही नहीं रहा तो यहाँ क्या गुडविल लाता हुआ लिखोगे? नहीं, सिर्फ कैपिटल ला रहा है, कैपिटल ला रहा है तो कैपिटल का पैसा, और फिर उसकी कैपिटल से वो पूरा पैसा ले लेंगे। जब तक गुडविल ला रहा था आधी, तब तक आधी गुडविल से कर लिया था, जब नहीं ला रहा तो नहीं करेंगे। ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम सीखेंगे हिडन गुडविल, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको आपने बहुत अच्छे से समझना है। सो आवर लास्ट टॉपिक विच इज ऑफ हिडन गुडविल। जब हो क्या रहा है इस सिचुएशन में, हिडन गुडविल कैसे कहेंगे आपको ना, ये बोल देगा कि फर्म है, ऐसे ऐसे पैसा दे रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ये चीज समझ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने का बहुत चांसेस होता है। मैंने जब पेपर दिया था तो मेरे टाइम पे तो ये जरूर आया था। सो फर्स्ट टर्म का मेरे एग्जाम थे जिसमें ये बहुत जरूरी था और ये आया था, तो आप भी इसको जरूर याद रखें, हिडन गुडविल। सो ये हिडन गुडविल का जो है इसको बहुत ध्यान से सुनना, इसमें गुडविल हम कैसे निकालते हैं, ठीक है ना? होगा क्या, मैं आपको बिल्कुल एग्जाम्पल उठाता हूँ और एग्जाम्पल से समझाता हूँ वो कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना और फिर समझाऊंगा भी। ए एंड बी आर पार्टनर, ए इज टू बी विद अ रेशियो। अच्छा, ए और बी जो पार्टनर है उनकी रेशियो नहीं बोलेगा हिडन गुडविल वाले क्वेश्चन में, उनकी कैपिटल बोल देगा विद अ 1,60,000 कैपिटल एंड 1,20,000 कैपिटल, ठीक है। After they add C, C को add करा, और जो C को add करा तो वो 1,60,000 पे capital लाया, ठीक है ना? बोला C के admission पे goodwill और इन सब की general entries pass करो। अब इस question में ध्यान से देखो, इस question में ना A B के share की बात करी। अच्छा, C को 1,60,000 पे में add करा है और C का हिस्सा जरूर बोला होगा, C का जो हिस्सा है वो 1/4 है, मतलब C के हिस्से की बात कर ली, ए और बी के हिस्से की बात नहीं करी ना, गुडविल की बताई कि गुडविल फर्म में कितनी है। अगर पिछले सालों का प्रॉफिट बोल देते तो हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बहुत अच्छे से सीख रखा है, हम गुडविल निकाल लेते, मगर यहाँ हिडन गुडविल कैसे समझेंगे? यहाँ पे गुडविल हाइड कर रखी है, अब वो हिडन गुडविल कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। एक होती है एक्चुअल कैपिटल, जो हमारे बिजनेस की है कितनी, जो हमारे बिजनेस की एक्चुअल कैपिटल है वो है कितनी। After C's admission, जो actual capital हो जाएगी, वो हो जाएगी A plus B plus C, जो कि हो जाएगी 1,60,000 जमा 1,20,000 जमा 1,60,000, जो कि हो जाएगी 4,40,000। ये फर्म की कैपिटल है ना? अब ध्यान से सुनना, ये एक्चुअल कैपिटल है आफ्टर द एडमिशन ऑफ सी। सी को बोला कि भैया तेरा जो शेयर है वो 1/4 शेयर है, तो तू जो अपनी कैपिटल ला रहा है वो 1/4 शेयर के हिसाब से ला। तो उसने बोला ठीक है, 1/4 शेयर है, उसके हिसाब से मैं 1,60,000 कैपिटल लाया। उन्होंने बोला कि 1/4 शेयर के हिसाब से 1,60,000 कैपिटल ला। तो करते क्या है हिडन गुडविल में, जहां आपको गुडविल शो नहीं करते वहां गुडविल कैसे निकालते हैं? आपकी एक्चुअल कैपिटल फर्म की कुछ और होती है और आप सी के शेयर के हिसाब से उससे कैपिटल जो मंगवा रहे हो वो कुछ और मंगवा लेते हो। समझ नहीं आ रहा, एक बार फिर समझे। जो आपकी एक्चुअल कैपिटल है 4,40,000, जो एक्चुअल कैपिटल बनेगी इसके बेस पे आपको कैपिटल मंगवानी चाहिए थी, 4,40,000 का 1/4 करें उसके बेस पे कैपिटल मंगवानी चाहिए थी, मगर ये कैपिटल जो मंगवाई 1,60,000, अगर हम 1/4 निकाले 4,40,000 का तो कुछ कम आएगा, यानी कि ज्यादा मंगवा रखी है। तो जो ज्यादा मंगवा रखी है ना वहीं पर कैपिटल छुपी हुई है। अब वो कैसे पता लगेगा, वो कैसे पता लगेगा कि जो सीज से कैपिटल मंगाई है, सी के बेस पे कैपिटल मंगाई है, कैलकुलेशन करते हुए कैसे लिखेंगे वो हम देख लेते हैं। So, जो सी के टाइम पे कैलकुलेशन करते हुए कैपिटल मंगाई है उसको कैसे लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ हिडन कैपिटल लिख, हिडन गुडविल लिख रहे हैं, उसमें लिखेंगे सीज कैपिटल शेयर। सी का जो कैपिटल शेयर है वो क्या है, 1/4 है, जो कि कितना है 1,60,000। तो सी का जो शेयर है वो कितना होगा, सीज का कैपिटल शेयर बना है ना, यानी कि आप ये पता लगाओगे 1,60,000 लाया है वो अपने शेयर के हिसाब से लाया है, ठीक है, मगर वो 1,01,4 जो है वो 1,60,000 है, यानी कि टोटल कैपिटल किस बेस पे मंगवाई है,
जब पार्टनर से कैपिटल मंगवाई जाती है तो उसमें बोला जाता है कि इतनी हम कैपिटल अज्यूम कर रहे हैं, हमारे फर्म के कैपिटल है 10 लाख, तुम्हारा हिस्सा एक चौथाई है, तो 10 लाख का एक चौथाई 2.5 लाख लेकर आ जाओ, है ना। तो 1,60,000 मंगाया, 1,60,000 बोला उसका एक चौथाई शेयर है, यानी कि एक्चुअल कैपिटल उसको कितनी बताई, उसको जो कैपिटल बताई वो कैपिटल बताई होगी 4 × 1,60,000, क्योंकि ये एक चौथाई है, एक चौथाई किस, एक चौथाई है, तो वापस से वो अमाउंट निकालने के लिए उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिससे पता चलेगा कि जो कैपिटल होनी चाहिए, जो उससे बोला है, वो कैपिटल उन्होंने मंगवाई है 6,60,000, जिसको उन्होंने बोला कि ये हमारी टोटल कैपिटल है न्यू फर्म की, उसको बोला कि ये हमारी टोटल कैपिटल है फर्म की, जबकि एक्चुअल कैपिटल कितनी है, एक्चुअल कैपिटल तो 4,40,000 है, और मंगाया कितना, 6,40,000, यानी कि जो 2 लाख उसको बोल के फालतू मंगाया, दैट इज योर कैप हिडन गुडविल। क्या समझ में आया? उसको शेयर के बेस पे जो कैपिटल मंगवाई वो कैपिटल उसको बोला कि भैया ये है हमारी फर्म की कैपिटल, बट जब हमने एक्चुअल कैलकुलेट करी कैपिटल वो तो कम आई, तो जो डिफरेंस आया दैट विल बी कॉल्ड हिडन गुडविल। क्या समझ में आया हिडन गुडविल कैसे निकाली जाती है? ये टोटल फर्म जो है ये कैसे निकलेगी, जो वो कैपिटल लाया उसके शेयर का, वो कितना शेयर है, वो एक चौथाई हो सकता है, एक 1/5 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, तो उसी शेयर से इसको मल्टीप्लाई करना है, जिससे हमारा निकलेगा टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, और उसको एक्चुअल कैपिटल से माइनस कर लेना है, एंड दैट इज द डिफरेंस विच इज 2 लाख इज द गुडविल फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म 2 लाख उसकी गुडविल है फर्म की, जिसमें उसका एक चौथाई होगा कितना, क्योंकि अभी ये गुडविल की है, और ये जो गुडविल है ये फर्म की है, उसका एक चौथाई कितना होगा, उसका एक चौथाई होगा 50,000, यानी कि उसकी गुडविल उसको कितनी लानी पड़ेगी, 50,000, किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सो 50,000 जो है वो अपनी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इसको लाएगा। अब ध्यान से सुनना, मान लो सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ नहीं दी गई, नहीं बताया गया रेशियो, तो कितना में बांट दोगे 50,000 को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में, 25-25 में, हाफ हाफ में। क्या समझ में आया? सो इस तरीके से हिडन गुडविल करी जाती है। एक बार ध्यान से सुनना, एक बात और, एक क्वेश्चन है आगे जाके जिसमें कर क्या रखा है, ये जो एक्चुअल, ये जो टोटल फॉर्म निकली है, और ये इसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन अलग अलग बन जाते हैं, जैसे कि अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको लाइबिलिटी भी बोल रखी है, एक तो असेट्स बोली, अच्छा किसी किसी क्वेश्चन में यहाँ तो आपने एक्चुअल कैपिटल निकाली है ना, ये तो आप हर बार निकाल लोगे, ये तो आपके पास हर बार आनी चाहिए, ये जो 6,40,000 आपने ऐसे कैलकुलेट, ये तो हर बार आएगी, मगर जो एक्चुअल कैपिटल है वो आप नहीं निकाल पाओगे। कभी कभी क्या होता है, 1,60,000, 1,20,000 जो कैपिटल दिया ये नहीं देता, तब कैसे निकलेगी? तो कैपिटल निकालने, एडजस्टेड कैपिटल निकालने के लिए दो तरीके थे, हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में सीखा था, असेट्स माइनस लाइबिलिटी कर लो, तो जिसमें असेट्स माइनस लाइबिलिटी कर रखा होगा, असेट्स लाइबिलिटी माइनस लाइबिलिटी करके कर रखा होगा। सो ये हमारा पूरा टॉपिक था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का, कैसे एक फर्म में ट्रीटमेंट किया जाता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। उम्मीद है आपको ये ट्रीटमेंट ऑफ अ न्यू पार्टनर समझ में आया होगा। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम या कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो कमेंट कर दें, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है ना। सो थैंक यू।